हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के खबरों की। के बैश में पहुंची कंगना, तबू, रीमा सेन समेत कई सितारे एक से बढ़कर एक ने दिए जमकर पोजेस। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स की 5वीं एनिवर्सरी के मौके पर खास पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। कंगना रनौत, तबू, रीमा सेन, कल्कि कोचलिन, मानसी स्कॉट समेत कई एक्ट्रेसेस इस बैश में शामिल हुए। और माधवन, अभय दयाल, गुलशन ग्रोवर, प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी इसका हिस्सा बने। इवेंट में एक्ट्रेस तबू व्हाइट ड्रेस से पूरी कवर अप थी। इस ड्रेस में तबू काफी सुंदर लग रही थी। मैडम भी नए नए अंदाज में खूब पोजेस देती दिखी। वाईकॉम के साथ दृश्यम फेम तबू ने वाईकॉम मोशन एसोसिएशन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारा एसोसिएशन वाईकॉम के साथ बहुत फ्रूटफुल रहा है। दृश्यम बहुत सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इतना कह सकती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तबू के बाद इस इवेंट में बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस रीमा सेन ने भी कम जलवे नहीं बिखेरे हैं। उनके अंदाज पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। रीमा सेन के साथ बॉलीवुड एक्टर अभय देओल भी वहां पहुंचे। इस इवेंट के बारे में अभय ने भी खूब तारीफ की। मैं ये बोलना चाहूंगा कि 5 और साल अच्छे जाएं जैसे ये 5 साल गए हैं, और उन 5 साल के बाद 10 और साल जाएं अच्छी तरह से। मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, अच्छी एक्सपीरियंस रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनका काम अच्छा जा रहा है। अभय अपनी अगली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी में नजर आएंगे। बॉलीवुड की दमदार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने भी इवेंट में शिरकत की। कल्कि का लुक बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। खुश हूँ कि वाईकॉम हैज रीच्ड 5 इयर्स। हैप्पी 5-year-old बर्थडे। आई थिंक दे मैच्योर्ड अ लॉट इन 5 इयर्स एंड यू नो दे ऑब्वियसली प्रोड्यूस सम ऑफ माय फिल्म्स। ऑफ कोर्स मार्गरिटा वाज वन अमेजिंग फिल्म दैट दे वर्कड ऑन। सो या, रियली हैप्पी टू बी हियर। बॉलीवुड के एक्टर और तनु वेड्स मनु फेम और माधवन भी इस इवेंट में आए। आखिरकार ये जबरदस्त हिट फिल्म वाईकॉम मोशन एसोसिएशन प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई गई है, तो आर माधवन का तो आना बनेगा ही। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तनु वेड्स मनु काफी तकलीफ में थी क्योंकि हमने फिल्म तो बनाई थी लेकिन बहुत कम लोगों को विश्वास था इस फिल्म पे। पर वाईकॉम आए और फिर उन्होंने देखा इस फिल्म को, उनको लगा कि इसमें कोई दम है और मेरे ख्याल से ये उनकी पहली फिल्म थी। ओ, आपके करियर की टॉप फिल्म वाईकॉम की पहली फिल्म बनी, तो हमारे मन्नू यानी कि आर माधवन के साथ साथ हमारे तन्नू यानी कि कंगना भी यहाँ पहुंची। इवेंट में कंगना ने व्हाइट एंड ऑरेंज ड्रेस कैरी किया हुआ था। इवेंट में कंगना काफी सुंदर दिखाई दे रही है। कंगना ने भी वाईकॉम के बैनर तले बनी फिल्म तनु वेड्स मनु के बारे में कहा। पहली जो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, तो वो वाईकॉम के ही साथ था फिल्म मेरा। और उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं। क्वीन भी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है मेरे ऐसे फोटोज़ मत लीजिए बात करते टाइम, तो वो भी वाईकॉम के ही साथ थी। तो दे हैव आई हैव वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद दैम, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, बिकॉज आई फील अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट। इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारों के साथ बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहे। साथ ही यहाँ मानसी स्कॉट का जलवा भी कम नहीं था। मानसी स्कॉट के साथ साथ डायरेक्टर अपनी वाइफ किरण के साथ रमेश सिप्पी भी पहुंचे। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा भी वाईकॉम के मोशन पिक्चर्स के पूरे 5 साल को लेकर कंग्रेचुलेट करते दिखे। मुबारक कहेंगे और क्या कहेंगे, और उनके साथ एसोसिएटेड रहा हूं मैंने। इंकार बनाई
अलग तरह की फिल्में जो बनाई उन्होंने, जिस तरह से मार्केट किया, जिस तरह से भरोसा किया उन पर, एक तरह से सिनेमा में जो बदलाव आया पिछले 5-7 साल में हम देख रहे हैं, उसमें वायकॉम का बड़ा योगदान है। तो वसीपुर अगर आप देखें, आप बहुत सारी फिल्में जो हैं, कहानी देखें, सारी फिल्में जो एक ज़माने में कहा जाता था कि भाई मार्केट नहीं हो सकती, ऐसी फिल्में चलती नहीं, उनको भरोसे से बनाया और भरोसे से बना के फिर उसको भरोसे से मार्केट किया और ऑडियंस तक पहुंचाया, फिर बाकी काम ऑडियंस ने किया। तो बहुत बहुत बड़ा योगदान है वायकॉम। और बॉलीवुड के खलनायक रोल में फेम गुलशन ग्रोवर भी मौजूद रहे। गुलशन ग्रोवर भी वायकॉम को बधाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं, बधाई टू वायकॉम 18 फॉर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, मेकिंग डाइवर्स फिल्म्स एंड मेकिंग फिल्म्स एंड रियली रियली सपोर्टिंग दोज फिल्म्स, यू नो, फिल्म्स ऑफ डिफरेंट साइज, फिल्म्स ऑफ डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ यू नो सब्जेक्ट मैटर। एंड मुझे बेहतर खुशी है कि उनका जो फिल्म सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डाइवर्स और बहुत डिफरेंट है। दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग बुके ऑफ वेरियस फिल्म्स, यू नो। वेल, इस इवेंट में पहुंचकर सभी ने वायकॉम के 5th एनिवर्सरी पर पहुंचकर चार चांद लगा दिए। होप कि ये प्रोडक्शन हाउस आगे भी खूब तरक्की करे। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को जब डायरेक्टर ने इंटीमेट वाले सीन करने को कहा तो चित्रांगदा ने गुस्से में छोड़ दी फिल्म। क्या है पूरी खबर, हैव अ लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के पास फिलहाल कोई फिल्म नहीं है। चित्रांगदा डायरेक्टर कुशान नंदी, जो कि जाने माने फिल्म मेकर प्रीतीश नंदी के बेटे हैं, उनकी फिल्म बाबू मोशाई बंदूकबाज में काम कर रही थी और उनके साथ एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी लीड कैरेक्टर में थे। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से चित्रांगदा ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है। खबर है कि फिल्म को 6 दिन शूट करने के बाद चित्रांगदा ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया और इसकी वजह सेक्स सीन बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार फिल्म बाबू मोशाई बंदूकबाज के एक सीन में नवाज चित्रांगदा को खींचकर बेड पर लेकर जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। इस सीन को शूट करने के दौरान डायरेक्टर फर्स्ट टेक से खुश नहीं थे और उन्होंने चित्रांगदा को कहा कि वो नवाज के ऊपर चढ़ जाए और भरपूर इंटीमेट सीन देने को कहा। डायरेक्टर का ऑर्डर सुनते ही चित्रांगदा भड़क उठी और कहा कि वो ऐसा कैसे पूरे क्रू के सामने कर सकती हैं। डायरेक्टर ने फिर इस बारे में चित्रांगदा से अकेले में बात करनी चाही लेकिन वो नहीं मानी। उनका मानना था कि जब वो सबके सामने ऐसा कह चुके हैं तो अकेले में बात करने का कोई फायदा ही नहीं। चित्रांगदा वहां से रोते हुए बाहर निकली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात की और मुंबई लौट गई। बॉलीवुड में करिश्मा और संजय के रिश्ते की कई सालों चलती आ रही लड़ाई आखिरकार खत्म हो ही गई है। दोनों के वैवाहिक बंधन की डोर टूट गई। करिश्मा और संजय का हो गया है तलाक। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और संजय कपूर ऑफिशियली रूप से अलग हो गए। दोनों ने तलाक और बच्चों की कस्टडी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। करिश्मा ने लोकल पुलिस स्टेशन में संजय कपूर के खिलाफ सारे केस वापस ले लिए। सूत्रों के मुताबिक फाइनेंशियली और कस्टडी संबंधी सारे मसले सुलझा लिए गए हैं। बताते चले कि 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। बाद में आपसी मतभेद के कारण ये याचिका वापस ले ली गई थी। दिसंबर में संजय कपूर ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक नई याचिका दायर की। उसके बाद करिश्मा ने संजय और अपनी सास के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। दोनों की शादी 2003 में हुई थी लेकिन जल्द ही दोनों के बीच चीजें खराब होने लगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को सेटलमेंट की सलाह भी दी थी। 2010 में करिश्मा संजय का घर छोड़कर पूरी तरह से मुंबई में सेटल हो गई।
2014 में दोनों ने अपने 12 साल लंबे रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया और तलाक की याचिका दायर की। संजय कपूर ने करिश्मा पर पैसों के लिए उनके बच्चे को प्यादे की तरह यूज करने का आरोप लगाया था। संजय का ये भी कहना था कि करिश्मा ने बच्चों को उनके बीमार पिता से मिलने से भी रोका था। वेल, अब दोनों को आपस में कोई गिला शिकवा नहीं होगा क्योंकि अब कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बाहुबली की हीरोइन तमन्ना भाटिया ने ये क्या कह दिया, मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही सो जाती हूँ। क्या तमन्ना को हो गया मेकअप आर्टिस्ट से इश्क या फिर कोई दूसरी वजह है? हैव अ लुक। तमन्ना भाटिया साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन है। बाहुबली में अपने रोल के बाद तो वो हर देश भर में पहचानी जा रही है। इन दिनों जमकर घुड़सवारी कर रही तमन्ना हाल ही में वो मेकअप आर्टिस्ट बिली मानिक की एकेडमी के लॉन्च पर पहुंची। बातों बातों में वो इतनी खुल गईं कि काफी कुछ कह गई। मेकअप की फिल्मी सितारों की जिंदगी में अहमियत की बात करते हुए उन्होंने काफी कुछ कह डाला। तमन्ना ने कहा कि उनका या किसी भी फिल्मी सितारे का काम मेकअप के बिना नहीं चलता है। ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन तमन्ना अपने सोने और जागने तक की बात कर बैठी। तमन्ना ने कहा कि रात को मेकअप उतारना होता है और फिर सुबह से ही फिर मेकअप शुरू। तमन्ना ने कहा कि कई बार बिजी शेड्यूल होता है और मेकअप का काम इतना ज्यादा होता है कि मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही सो जाती हूँ। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तमन्ना ने सीधे साधे लहजे में अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ सोने की बात कही थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोग एक बार की तो चौंक ही गए कि तमन्ना ये क्या कह रही हैं। बता दे कि तमन्ना आजकल बाहुबली 2 की शूटिंग में बिजी हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में उनका रोल दर्शकों को चौंका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी, एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। फिलहाल बॉलीवुड खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।